दौसा के एक निजी विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनसीडी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के बीपी, शुगर और अन्य तरह की जांच की गई और उन्हें मौसमी बीमारियों के बारे में परामर्श दिया गया। कैंप के दौरान 150 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप प्रभारी प्रभाष शर्मा ने बताया कि कोविड हेल्प सहायक की टीम के द्वारा वार्ड 30 से 38 तक घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया गया। इस अवसर पर कोविड हेल्प सहायक मोहम्मद अजरुद्दीन, मुजम्मिल खान, आवेश खान, मोहम्मद सोहेल, फैजान खान, नीता प्रजापत, अंकुर शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारे यहाँ पर एनसीडी शिविर का सेंट ऑफिस स्कूल के अंदर आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर नॉट कम्युनिकेबल डिजीज के जो भी पेशेंट्स हैं 30 नंबर वार्ड से 38 नंबर वार्ड तक के, वैसे अदर वार्ड से भी आते हैं तो उनका भी वेलकम है, उनकी भी जांच हो रही है। और इनकी जांच करके नंबर वन तो पहले ये पता लगाया जाएगा कि कितने पेशेंट्स हैं कुल वार्ड में, क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ पर डेली जो अभी CHA की पोस्ट के ऊपर लगे हैं, ये डेली है ना यहाँ पर वार्डों में सर्वे कर रहे हैं और यही लोग बुला करके ला रहे हैं कि ये हैं, तो उनकी जांच करने के बाद में इनको मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वो इनके वार्ड मेंबर को बुला करके पार्टिकुलर उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह दे के उनके द्वारा उनके घर पर मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो, एक तो पहली बात ये है कि जो अपना ये मौसमी आजकल वो चल रही बीमारी चल रही है, कोविड का भी थोड़ा वो चल रहा था, तो हम लोगों ने जो अभी CHA की हुई थी पोस्ट हुई थी जो उनमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो इसके अंतर्गत क्या है वार्ड नंबर 30 से और 38 तक का जो हमारे सभी है साथीगण हैं उन्होंने इनका वार्ड का वो किया है, सर्वे किया है। और सर्वे करने के अंदर हमें यह पता पड़ा है भाई कितने तो पेशेंट हैं, कितने बीपी है, शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, अस्थमा, COPD, मतलब जो कोविड के अंतर्गत आती है, तो उनके बचाव के लिए हमने आज ये सेंट अबीज स्कूल में कैंप लगवाया है। तो यहाँ डोर टू डोर जाके कल हमने सबको अवगत कराया है और आज यहाँ पर सब आए हुए हैं और उनका बीपी है, शुगर है, उनका रिकॉर्ड आज बनाया गया है सबका, और सबका रिकॉर्ड बनाकर हम यही कोशिश करेंगे कि वार्ड में प्रत्येक घर डोर टू डोर जाकर इनको मेडिसिन उपलब्ध कराई जाए।